नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के विरोध अभियान के तहत शिवरामऊ कोतवाली पुलिस की छापेमारी के दौरान 200 लीटर लहन नष्ट कर शराब बना रहे दो युवकों को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिहार बस्ती व केला देवी मंदिर से कुछ दूरी पर छापा मारकर अवैध कच्ची शराब बना रहे ग्राम बहवलपुर निवासी मोती गिहार पुत्र मुकेश व बीरेंद्र पुत्र लाल सिंह को मौके पर ही दबोच लिया, जिसके कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची व देसी शराब व शराब बनाने वाले उपकरण बरामद किए और करीब पुलिस ने 200 लीटर लहन नष्ट भी किया।